अस्सलामु अलैकुम, मैं हूँ शमा ज़ैनब ख़ान। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ गोभी मंचूरी बनाने की रेसिपी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और सभी को पसंद आती है। तो चलिए, गोभी मंचूरी बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं। गोभी मंचूरी बनाने के लिए हम लेंगे पत्ता गोभी यानी कैबेज, इसको हमने कद्दूकस किया हुआ है। गोभी मंचूरी को पत्ता गोभी से भी बना सकते हैं और फूल गोभी से भी बना सकते हैं। पत्ता गोभी को आप कद्दूकस करके रख लें, या तो आपके पास चॉपर है तो आप बारीक से चॉप करके रख लें। मैदा हम लेंगे 4 टेबलस्पून, बेसन लेंगे 2 टेबलस्पून, रेड चिल्ली पाउडर लेंगे 1 टेबलस्पून, ब्लैक पेपर लेंगे 1 टेबलस्पून, गरम मसाला हम लेंगे 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट लेंगे 1 1 टेबलस्पून, साल्ट टू टेस्ट, 1 बड़ी मीडियम चॉप की हुई ऑनियन, 2 बड़े मीडियम लंबे कटे हुए कैप्सिकम, बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक, रेड चिल्ली सॉस, सोया सॉस, ग्रीन चिल्ली सॉस और टोमेटो केचप। कॉर्नफ्लोर लेंगे हम 2 टेबलस्पून। तो चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। कैबेज के अंदर हम ऐड कर देंगे 2 से 3 टेबलस्पून मैदा और हम ऐड करेंगे बेसन। अगर आपको इसमें ज़्यादा मॉइस्चर लगे तो आप इसमें या तो बेसन या तो कॉर्नफ्लोर या नहीं तो आप मैदा ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, रेड चिल्ली पाउडर ऐड करेंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, या तो आप ग्रीन चिल्ली भी ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और हम ऐड करेंगे गरम मसाला। अब हम लास्ट में ऐड करेंगे साल्ट। इन सब चीज़ों को हाथों की मदद से हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर के अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा ड्राई है, इसीलिए अगर आपका मिक्सचर ड्राई हो तो ही पानी ऐड करें, नहीं तो आप इसको अच्छे से मिक्स कर दें बस। इसको हमें ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना है। इसके अंदर आप फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो। अब ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लें। मसाले कैबेज में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसको रेस्ट के लिए 5 मिनट तक रख देंगे। एक कढ़ाई में हम तेल ऐड कर लेंगे, तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। मिक्सचर को 5 मिनट हो चुके हैं रेस्ट किए हुए, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई करने के लिए तेल भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे, इस तरह आहिस्ते से थोड़ा थोड़ा करके इसको तेल में ड्रॉप करते जाएंगे। या तो आप इसको हम जैसे कोफ्ते फ्राई करते हैं उस तरह बनाकर भी फ्राई कर सकते हैं। अभी हम इसको टच नहीं करेंगे, 2 मिनट बाद हम इसके अंदर चम्मच चलाएंगे। गोभी को फ्राई करने के लिए 7 से 8 मिनट लगेंगे। इसको फ्राई करने के लिए जल्दी ना करें, बाहर से तो फ्राई हो जाएंगी, अंदर से कच्ची की कच्ची ही रह जाएंगी। अगर आप रिजल्ट अच्छा चाहते हैं तो आप इनको थोड़ा सब्र के साथ फ्राई करें। इसके अंदर ज़्यादा चम्मच चलाने से ये टूट भी सकते हैं, इसीलिए किनारों पर चम्मच चलाएं। मंचूरी बॉल्स को फ्राई होते हुए 8 से 9 मिनट हो चुके हैं, अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। इनको बाहर निकाल कर एक छन्नी में रख लेंगे ताकि इनके अंदर जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब हम बाकी जो बचा हुआ मिक्सचर है उसके भी बॉल्स बना लेंगे। सेकेंड राउंड भी फ्राई होकर तैयार है, इसको भी हम निकाल कर एक छन्नी में रख लेंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट और आखिरी स्टेप की तरफ। एक दूसरी कढ़ाई लेंगे, इसके अंदर हम तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये वही तेल है जिसमें हमने गोभी फ्राई की थी। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, ऐड कर देंगे चॉप किया हुआ गार्लिक। इसको हम आधा मिनट तक फ्राई कर लेंगे। गार्लिक का कच्चापन जाने तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। गार्लिक को फ्राई किए हुए आधा मिनट हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चॉप किए हुए अनियन। अनियन को आप स्लाइसेस में भी कट करके ऐड कर सकते हैं। इसका भी हम कच्चा पन जाने तक फ्राई कर लेंगे। अनियन को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो चुका है, अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे कैप्सिकम। कैप्सिकम को हम ज़्यादा गलाएंगे नहीं, ये थोड़ी कुरकुरी ही अच्छी लगती है, इसीलिए हम इसको भी आधा मिनट तक फ्राई कर लेंगे। थोड़ा हम तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं, इसलिए हम 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे।
इसके अंदर हम साल्ट ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि केचप्स में साल्ट होता है, इसीलिए हम साल्ट को ऐड नहीं करेंगे। अगर आप साल्ट ऐड कर देंगे तो कैप्सिकम और आनियन अच्छे से गल जाएंगी। 1.5 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर के अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि लम्स फ्री हो जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, रेड चिली सॉस और टोमेटो केचप। इन सबको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे, यानी 1 से 1.5 मिनट तक भून लेंगे। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे कॉर्नफ्लोर का पेस्ट जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। इसको हम अच्छे से मिक्स करते हुए 1.5 से 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। इस मसाले में हम ऐड कर देंगे फ्राई किए हुए मंचूरियन बॉल्स। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ऊपर नीचे करते हुए। 1 से 2 मिनट तक हम इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। 1 से 2 मिनट तक हमें इसे मिक्स करते हुए ही पकाना है ताकि इसे अच्छे से मसाला लग जाए। गोभी बनकर तैयार है। फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। इसको हम गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो ये लीजिए, गर्मा गर्म गोभी मंचूरी बनकर तैयार है। गोभी बहुत ही टेस्टी बनी हुई है। आप भी इसी तरह बहुत ही आसानी के साथ गोभी मंचूरी को घर पर बनाकर खा सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी ये गोभी मंचूरी बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।